मध्य प्रदेश के इंदौर में पूर्व मंत्री रंजना बघेल का बेटा यशवर्धन और दो अन्य युवक नदी में बह गए। इन तीनों में से यशवर्धन समेत दो को ग्रामीणों और प्रशासन की रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वहीं सूचना मिलते ही रंजना बघेल भोपाल से इंदौर के लिए रवाना हो गई। बेटे के नदी में बह जाने की सूचना मिलते ही भाजपा नेता रंजना बेहोश हो गई थी। यह घटना शुक्रवार की बताई जा रही है, जहां जानकारी के मुताबिक पूर्व मंत्री रंजना बघेल का बेटा यशवर्धन तेजस और एक अन्य युवक थार कार में सवार होकर कलाकुंड के पास परिवार में बहन से मिलने जा रहे थे। इस दौरान चोरल नदी का पुल पार करते समय अचानक गाड़ी नदी में जा गिरी, जहां घटना की सूचना पर एसपी, डीएसपी और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। बताया गया कि यशवर्धन एक घंटे तक नदी में पेड़ से लटके रहा, कुछ देर बाद तैरकर नदी के दूसरे किनारे पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने यशवर्धन को बचाया। मौके पर रेस्क्यू टीम ने दो युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तेज बहाव के कारण नदी में रेस्क्यू करने में एसडीआरएफ की टीम को बड़ी परेशानी हुई। भाजपा नेत्री रंजना बघेल ने बताया कि उनका बेटा और उसके दो साथी हादसे का शिकार हो गए, फिलहाल वह सुरक्षित है। ग्रामीणों ने यशवर्धन और एक अन्य युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इंदौर के कलेक्टर और आईजी ग्रामीण राकेश गुप्ता से बात हो चुकी है, फिलहाल तीसरे युवक को भी निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। ग्रामीण एसपी डीएसपी मौके पर देर रात तक मौजूद रहे। वहीं पुलिस ने बताया कि पूर्व मंत्री बघेल का बेटा यश तेजस और एक अन्य तीनों पिकनिक मनाने सिवरौल क्षेत्र के रतभी फार्म हाउस गए थे। नदी के बीच में कार खड़ी कर पार्टी कर रहे थे। तेज बारिश के कारण नदी का बहाव बढ़ने से कार के साथ तीनों बह गए, आधा किलोमीटर दूर तक बहते हुए पहुंचे। इसी दौरान यशवर्धन ने एक पेड़ की डंगल पकड़ ली, इसके बाद ग्रामीणों ने उसे बचा लिया।